हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन रहती है गाइस, उसमें एक अपडेट आया है। जैसे कि मतलब उसमें न्यू सिस्टम, न्यू जुगाड़ हमने किया है गाइस, तो इसीलिए उसे बोला न्यू अपडेट। जैसे कि मोबाइल में आता है गाइस, वैसे ही सैनिटाइजर मशीन में भी आया है न्यू अपडेट। और गाइस, इस मशीन से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ये 2-in-1 है गाइस, मतलब दो काम ये अकेली मशीन कर सकती है। बहुत ही सस्ती मशीन है गाइस, ये बहुत ही सस्ता, आप 1,500 तक बस इस मशीन को बना सकते हैं। खुद बनाते हो तो 1,500 में आएंगे गाइस, अगर किसी से खरीदते हो तो महंगे जाएंगे आपको। अगर आपका कोई शॉप या छोटा सा क्लिनिक है तो ये मशीन बहुत ही अच्छी रहने वाली है गाइस, क्योंकि दो काम ये अकेली एक मशीन कर सकती है गाइस। जैसे कि एक तो आदमी भी सैनिटाइज करेंगी फुल बॉडी, और उसके बाद जो है गाइस, तो जो तुम्हारे काउंटर है या कोई चीजें है गाइस, कोई अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप में आया तो क्या पता उसके साथ कोरोना वायरस आया हो गाइस। चलने के बाद हर एक कस्टमर शॉप से जाने के बाद गाइस, जो उसमें दो सिस्टम आने वाली, एक टनल में जो कि आदमी पे आते टाइम पूरा सैनिटाइज होके आएंगे गाइस, और रही दूसरी बात, जो अपने काउंटर वो रहेंगे गाइस, अगर वायरस उस पे गिरता भी है गाइस तो वो भी सैनिटाइज हो जाएंगे गाइस। तो सब कुछ इसमें सैनिटाइज होने वाला है, और बहुत ही सस्ती आपको सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए में ये मशीन मिलने वाली है गाइस। आपको ये मशीन बनाने में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही न्यू अपडेट वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, इस मशीन में ये सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं या तो इसे कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं हूं प्रमोद, आरआर देख रहे समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सैनिटाइजर आपको दिख रहा है गाइस, ये हमने ऑलरेडी बनाकर रखा है। अगर आपको ये बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। इसमें अभी एडवांस सिस्टम हम डालने वाले, तो इसके लिए आरओ की टी चाहिए आपको दो, और एक आरओ का एल्बो चाहिए, और उसके बाद जो है दो पाइप के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, और जो हमने दो नोजल बनाई है गाइस, जिसको आरओ का पाइप जो है गाइस वो कट करके लगाया है यहाँ पे, यमसिल से लगाया है क्योंकि ये निकले ना, और जो है हमारे टी में ये आसानी से लग जाए बस प्रेस करने से। और उसके बाद जो है ये आरओ फिल्टर में यूज़ होने वाला कॉक है गाइस, मुझे नाम तो इसका पता नहीं लेकिन हम इसे कॉक ही बोलेंगे। इस कॉक को यूज करने से हमारा जो सैनिटाइजर है वो ऑन ऑफ होने वाला है, देख सकते हैं अभी ऑफ हुआ है, अभी ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हुआ है गाइस। कॉक में दोनों तरफ से जो आरओ का पाइप है वो फिटिंग होता है गाइस, बस प्रेस करना पड़ता है, वो लॉक हो जाता है अंदर। और आरओ का पाइप का छोटा एक बंडल लिया गाइस, जो कि 10 फीट का है। आपकी शॉप जितनी बड़ी है गाइस, 20 फीट 15 फीट वो हिसाब से आप वो पाइप यूज कर सकते हो। तो अभी आपको सबसे पहले लेना है एक कॉक, और उसके बाद जो दोनों टुकड़े किए थे गाइस उसमें से एक पाइप का टुकड़ा लेकर उसमें प्रेस करना है, वो उसका लॉक लग जाएगा। और फिर उसके बाद जो है एक टी लेना है गाइस, और एक टी उस पाइप में भी फिटिंग करना है हमें। तो देखिए पाइप हमारा फिटिंग हो चुका है, अभी टी भी हम जिस तरह से कॉक फिटिंग किया उसी तरह से टी भी फिटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं बस प्रेस करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये तो हमारी एक सिस्टम बन चुकी है, अभी दूसरी सिस्टम बनने के लिए जो हमारा बड़ा पाइप है गाइज उसे निकालना पड़ेगा, मतलब ये खोलना पड़ेगा उसका तार। तो तार निकल चुका है, अभी जो पाइप के दो साइड रहेंगे गाइस उसमें से एक साइड लेना है, और एक साइड में एक कॉक फिटिंग करना है हमें, जो बचा हुआ एक कॉक था गाइस वो फिटिंग करना है। कॉक को पाइप से फिटिंग करने के बाद और एक छोटा पाइप का टुकड़ा लेना है, और उसे भी प्रेस करना है गाइस, और उसे भी लॉक कर देना है कॉक के अंदर। तो देखिए हमारा पाइप भी प्रेस हो गया और लॉक उसका लग चुका है। और उसके बाद जो है हमें एक टी लेना है गाइस, जो बचा हुआ टी था वो लेकर उसे भी प्रेस करना है गाइस, वो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है
एक नोजल लेना है गाइज। ये नोजल बनाया था गाइज, ये आपको ऐसा बनाना है आसानी से, नहीं तो इसकी जगह आप मिस्ट नोजल भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। और जो हमारा येलो बचा था गाइस, तो उसे भी यहाँ पर फिटिंग कर देना है, बस प्रेस करने से ये भी फिटिंग हो जाएगा। और जो बचा हुआ नोजल है गाइस, उसको भी उस येलो के ऊपर लगा देना है। देखिए इससे होगा क्या, जो हमारा ऊपर का नोजल है गाइस वो रोटेट हो सकता है, मतलब जिस साइड से आपको घुमाना है वो साइड से आप उसे घुमा सकते हो। तो देखिए हमारे दोनों सेटअप रेडी हो चुके हैं, और जो टी था गाइज उसके नीचे से इस पाइप को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए इस सिस्टम को लगाते हैं, हमारा जो टनल बनाया है गाइज उस टनल में लगाते हैं। आपको टनल बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज कैसे बनाए। तो देखिए गाइज ऐसा हमारा टनल है, इसमें सेंसर भी हमने लगाया था लेकिन अभी सेंसर निकाल के रखा है। जो हमने पहले कॉक का और टी का सेटअप बनाया था गाइज उसे लेना है, और उसे लेने के बाद जो है गाइज जो कॉक आपको दिख रहा है और जो आरओ का पाइप है गाइज उसके अंदर इसे प्रेस कर देना है। टनल में पाइप कैसे फिटिंग किया गाइज अगर आपको ये भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक है तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये कॉक लगाने से होगा क्या कि जो हम दो सिस्टम एक टनल पर चलाने वाले हैं गाइज, तो हमें जो सिस्टम चलाना है वो सिस्टम आप कॉक ऑन करके चला सकते हो, इसलिए ये कॉक लगाए। टी से एक छोटा सा पाइप निकल रहा है गाइज नीचे, उससे एक पाइप कनेक्ट करेंगे जिससे हमारा कनेक्ट रहेगा जो कि 12 वोल्ट का पंप। मेरे पास ये पाइप ऑलरेडी पड़ा था गाइज, तो इसलिए मैंने इसे यूज में ले लिया और यही पाइप इसे यूज़ किया। अगर आपके पास ये पाइप नहीं है तो आप पूरा टनल जो है उसमें आरओ का पाइप यूज कर सकते हो। देखिए अभी जो हमारा 12 वोल्ट का पंप है तो ये पाइप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे हमारे पंप से, कनेक्ट हो गया। और ये रहा हमारा पंप का सप्लाई का वायर, ये पंप आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी हमारे पंप को सप्लाई देना पड़ेगा, तो अडप्टर का कनेक्शन कर लेते। और गाइज मैंने एक LED यूज की है टनल में जो कि ब्लू कलर के 12 वोल्ट की गाइज। ये रहे हमारे दोनों अडप्टर, ये 12 वोल्ट का अडप्टर और ये दूसरा वाला भी 12 वोल्ट का ही है गाइज। ये ऊपर वाला छोटा LED का है और नीचे वाला जो हमारे पंप का है, इन दोनों के कनेक्शन साथ में AC सप्लाई कनेक्शन कर दिया है, देख सकते हैं आप, मतलब दोनों अडप्टर साथ में ही ऑन हो जाएंगे। ये हमारा AC सप्लाई का वायर्स जो कि 230 वोल्ट AC, और ये रहे हमारे DC सप्लाई के वायर जो कि LED में जाएगा। LED लाइट का कनेक्शन तो कर दिया है, देख सकते हैं आप अडप्टर के साथ। अभी जो बचा हमारा मोटर का कनेक्शन जो कि 12 वोल्ट का है गाइज, देख सकते हैं अभी ये अडप्टर का वायर से और ये मोटर के वायर, इन दोनों को भी कनेक्ट कर देंगे साथ में, और ये भी कनेक्ट हो चुका है। अभी डायरेक्टली जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते गाइस, ये सेंसर पर नहीं स्विच पे किया है। अभी जो कॉक और टी हमने कनेक्ट किया था उसका एक होल अभी बाकी है जो कि टी में गाइस, देख सकते हैं आप। तो जो हमने बड़ा वाला पाइप 10 फीट का पाइप लिया था गाइस, उसका सिस्टम भी बनाया था, तो उस पाइप को कनेक्ट करना है यहाँ पर। जो दूसरा एक हिस्सा बचा था गाइस उस पाइप का, तो वो पाइप का हिस्सा यहाँ पर कनेक्ट करना है हमें। इससे होगा क्या, हम दोनों साइड से स्प्रे कर सकते हैं। और एक पाइप में ड्रिल कर मैंने एक तार लगाया है जिससे कि हमारा पाइप वहाँ पर फिटिंग हो जाए। कुछ इस तरह से हम हमारा काम होने के बाद पाइप को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए अभी डायरेक्टली टेस्ट करते हैं ये कैसे वर्क करता है, देख सकते हैं। अभी तो मेरा टनल का कनेक्शन ऑन है, मतलब अभी सिर्फ टनल का स्प्रे चालू है गाइस। अभी जो हमने पाइप लगाया था वो कनेक्शन ऑफ है, तो देखिए कितना पावरफुल स्प्रे मिल रहा है, बहुत ही पावरफुल मोटर है गाइस ये। और हमारी LED भी जल रही है, देख सकते हैं आप, धूप में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो है हमारे टनल का जो कनेक्शन है उसे ऑफ कर देंगे, जो ऑन था गाइस।
आरओ का कॉक ऑफ कर देंगे। अभी जो हमारा पाइप है गाइज उसका कनेक्शन ऑन कर देंगे और फिर उससे भी स्प्रे करेंगे। मतलब आपके शॉप में कोई भी आदमी आता है तो आप वो आदमी जाने के बाद आपके शॉप को सैनिटाइज कर सकते हो। टेबल कुर्सी आप जो चाहे वो पाइप से सैनिटाइज कर सकते हो। इसलिए इससे दो काम हो सकते हैं। देखिए अभी 10 फीट की दूरी पर आप कहीं पर भी ये पाइप ले जा सकते हो। इसीलिए आपका जितना बड़ा शॉप होगा उतना बड़ा पाइप आप यूज़ करिए। देखिए गाइस कॉक ऑन किया है, अभी टनल का कनेक्शन ऑफ है, मतलब एक ही मोटर पर हम दो चीज़ें चला रहे हैं। देखिए आप कुछ इस तरह से जो आपकी ज़मीन या फर्श है वो सैनिटाइज करवा सकते हो, दीवार भी सैनिटाइज करवा सकते हो और एक साथ आप दोनों कनेक्शन ऑन कर सकते हो। आपका जो टनल है वो भी कनेक्शन ऑन किया और जो पाइप का है वो भी ऑन किया तो भी चलता है गाइस। ये बहुत ही पावरफुल पंप है लेकिन टनल में कुछ काम रहेगा तभी उसको ऑन करिए क्योंकि सैनिटाइजर वेस्ट नहीं जाएगा गाइज आपका। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी गाइज। तो कैसा लगा हमारा अपडेट न्यू जुगाड़ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।